और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, मुझसे कोठे पे उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शीलाजीत नहीं खाता। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चड्ढा, तूने कभी लोगों को सोनागाची में हिलाते हुए देखा है क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या? कुछ सिंगल लौंडे ऐसे भी होते हैं जो घूम फिर के अपनी ही मार लेते हैं, ये और बात है। दामिनी की चेन को खोल कर जो झाट तूने मरोड़ दी है ना, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू हिलाना भूल जाएगा। झांटे सुलग गईं पर बल नहीं गया। गुप्ता 400,000 देने को तैयार है एक छोकरी की इज्जत के लिए, ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कोठे की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को रंडवागी कहते हैं। भोसड़ी, गाली मत बक, वरना तेरी गांड यहीं फरवा डालूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा ठुकाई और वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे कॉन्डम मेडिकलों पे बहुत मिलते हैं, मगर इसे पहनने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, वो दुनिया के किसी भी मेडिकल पे नहीं मिलता। मर्द उसे लेके पैदा होता है, और जब ये मुठ्ठबाज का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी का उठता नहीं, ढीला पड़ जाता है। इस सब का जवाब कल रंडी खाने में दूंगा। और हाँ, अगर रंडी खाने में तूने कोई भी बकचोदी की तो वही मारूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। दलाल बोलियां लगाता रहेगा और तू पिटता रहेगा। अरे बकलन, हीरा बेटे, सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।